हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। वित्त विभाग से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय से बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए क्या है अपडेट। रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में, अभी वर्तमान में जो रिक्त पद हैं उससे संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 10/7/2023 का यह लेटर है, रिक्त पदों के संबंध में जो है बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वीडियो में बने रहिए, क्या कुछ खास है देखते हैं। देखिए साथियों, पॉइंट नंबर वन है, वित्त विभाग द्वारा समय समय पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग से जो अनुमति लिया जाता है उसी से संबंधित जो है जानकारी यहाँ पर दिया गया है। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सुनिश्चित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचार करने के बाद जो है निर्णय लिया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किया जाए। वित्त विभाग से जो है अनुमति मिल चुकी है। आगे देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, उक्त प्रावधान आगामी आदेश तक प्रभावशाली रहेंगे। अभी जितने भी जितने भी जो है भर्ती हो रहे हैं उनके लिए ये जो आदेश है वो प्रभावशाली रहेंगे। आगे देखिए, 31 मार्च 2022 के पश्चात इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, देखिए 31 मार्च से लेकर अभी वर्तमान 10 जुलाई तक जितने भी भर्ती आए हैं उन पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी। देखिए जो शिक्षक भर्ती चल रहा है 12,489 पद, तो इस पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो जारी रहेगा, तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग के पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जो चल रहा है मार्च से लेकर आपका वर्तमान तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही वो कंटिन्यू चलेगी, उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखिए पांचवा नंबर पॉइंट क्या है, केंद्रीय योजनाएँ एवं इसके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केंद्रीय बजट 2023-24 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किंतु अभी तक भर्ती नहीं की गई है तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। देखिए अगर कोई योजना केंद्रीय गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, केंद्रीय बजट से संबंधित है, तो उसके लिए वित्त विभाग से पुनः अनुमति लेना पड़ेगा। आगे देखिए सिक्स नंबर पॉइंट है, विभागों में स्वीकृति रिक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करे कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो। देखिए अगर कोई ऐसा पद है जिसमें प्रशिक्षण अनिवार्य है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर जितना सीट है उस हिसाब से जो है कैंडिडेट लेने की बात जो है कही जा रही है सिक्स नंबर पॉइंट में। आगे देखते हैं सेवन नंबर पॉइंट, देखिए यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ साथ सभी निगम मंडल आयोग प्राधिकरण विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए लागू होंगे। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यह निर्देश जो है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे विभागों के लिए आया हुआ है। यह वित्त विभाग की बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। तो इस ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।